हाल ही में इंडियन आइडल का 12वां सीजन खत्म हुआ, जिसके ग्रैंड फिनाले में उत्तराखंड के पवनदीप राजन ने बाकी के 5 कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़कर ट्रॉफी पे कब्जा जमाया और रातों रात देश भर में बन गए सिंगिंग आइकन। इसके बाद तो जैसे उनकी पूरी किस्मत ही बदल गई है, इनामों की बौछार हो रही है। एक खबर आ रही है कि उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। राज्यपाल कोश्यारी भी उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, ऐसे में भला उत्तराखंड के इस बेटे को वो कैसे न बुलाते। लिहाजा उन्होंने खुद आमंत्रित किया और पवनदीप राजन की जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। ऐसे में राजभवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड और महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। मुलाकात के दौरान पवनदीप ने राज्यपाल को पहाड़ से जुड़ा एक गाना भी सुनाया। राज्यपाल ने भी दोनों युवाओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि कामयाबी इसी तरह उनके सामने आए, इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। राज्यपाल ने कहा कि पवनदीप की इस शानदार उपलब्धि से उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ है। इसके बाद पवनदीप और उपविजेता अरुणिता ने राज्यपाल के अनुरोध पर उन्हें गाने सुनाए। चलते चलते आप भी सुनिए इन गानों के कुछ खास अंश। तेरी आन सदा जगता